जरा ये सुनो, 87 साल का एक आदमी सड़क पार करना चाह रहा था, लेकिन बला का ट्रैफिक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे निकले कैसे, तो एक लॉरी के नीचे सरक गया। एक क्या? एक लॉरी के नीचे सरक गया, खड़ी हुई लॉरी। नहीं, लॉरी चल पड़ी और उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई। अबे चल रहा, यहाँ यही लिखा है। अबे जा रहा, पढ़कर मितली नहीं आती। उसको ऐसा करने को कहा किसने? 87 साल का एक आदमी लॉरी के नीचे सरक गया। यकीन नहीं होता, यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। दोगी? अरे हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं बस। चाय का क्या हुआ? अभी बनाता हूँ। तो फिर बनाओ। हाँ हाँ बनाता हूँ। अरे अब की बार उसने फ्रिज प्यालियाँ बढ़िया दी है, ये तो कहना पड़ेगा। उसमें धारियाँ हैं, सफेद धारी, यूं प्याली के चारों तरफ किनारे किनारे, बाकी सब काला है और तस्तरी भी काली है। और हाँ, प्लेटी भी वैसी है, बस उसमें काली धारियां प्लेटों में बिल्कुल बीच में से जाती हुई। बिर्च प्यालियां मुझे काफी अच्छी लगी बहन। प्लेटों का क्या करोगे, तुम्हें कुछ खाना तो है नहीं? मैं कुछ बिस्कुट लाया हूँ। तो उन्हें जल्दी से खत्म करो। मैं हमेशा कुछ लाता हूँ, बिस्कुट या फैन, जब तक तो खाने को ना, मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती। तो जाकर चाय क्यों नहीं बनाते? टाइम निकला जा रहा है। तुम्हारे पास सिगरेट होगी? मेरी तो खल्लास होगी। आज वाला काम ज्यादा देर तो नहीं लगेगा ना? अरे हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या हुआ? 8 साल के बच्चे ने बिल्ली को मार डाला। नहीं, सच्ची बात है, हद हो गई। 8 साल के बच्चे ने बिल्ली को मार डाला? लड़के ने मारा कैसे? लड़की थी। लड़की ने मारा कैसे? उसने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? एक मिनट, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि उसके 11 साल के भाई ने ये हादसा गैराज में से देखा। अबे जा, साली बकवास है। शर्त लगा लो, उसी ने मारा होगा। किसने? भाई ने। तुम ठीक कहते हो, 11 साल के बच्चे ने बिल्ली को मारकर अपनी 8 साल उम्र छोटी बहन के ऊपर इल्जाम भर दिया। पढ़कर वो हमें कितने बजे बताएगा? अरे वो हमें कितने बजे बताएगा? तुम्हें तकलीफ क्या है? किसी भी वक्त बता सकता है, किसी भी वक्त। अरे हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या? तुमने देखा वो टंकी भरने में कितना टाइम लेती है? कौन सी टंकी? वही पकाने वाली। नहीं सचमुच? मैं तो तंग आ गया हूँ। तो फिर? तो उसमें खराबी क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? उसकी टूटी ठीक से काम नहीं करती बस। उसकी क्या टूटी? नहीं सच? और नहीं तो क्या? अबे जा, ये तो मुझे समझा ही नहीं। मैं आज ठीक से सो नहीं पाया। तुम सोए क्या बहन? ये बिस्तर तो एकदम बेकार है, एक और कंबल होता तो भी अच्छा रहता। ये क्या 2020 क्रिकेट टीम? तुमने इसे देखा बहन? किसे? अरे यहाँ 2020 क्रिकेट टीम की फोटो लगी है। कौन सी 2020 क्रिकेट टीम? कौन से 2020? नहीं लिखा। चाय का क्या हुआ? मुझे तो सारे बुरे से ही लगते हैं। इस तड़बे में तो मैं कभी ना रह पाऊँ। एक आध खिड़कियों तो भी अच्छा है, कम से कम बाहर तो देखा जा सकता है। खिड़की का क्या करोगे? मुझे बाहर की सीनरी देखना अच्छा लगता है बहन, उसमें टाइम कट जाता है। मेरा मतलब है, अंधेरा रहते हम किसी ऐसी जगह आते हैं, ऐसे कमरे में जो उससे पहले कभी नहीं देखा। दिन भर सोते हैं, रात को काम निपटाकर वापस चले जाते हैं। मुझे बाहर की सीनरी देखना अच्छा लगता है बहन, मगर इस धंधे में तो उसका चांस ही नहीं मिलता। तुम्हें छुट्टियां मिलती है कि नहीं? सिर्फ 2 ही हफ्ते की। तो जरा सुनो, जैसे हर रोज काम करते रहते हो, हम ये काम कितनी दफा करते हैं? हफ्ते में 1 बार। तुम्हें तकलीफ क्या है? ठीक है, लेकिन हमें एक जगह टिके नहीं रहना पड़ता। घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते, कहीं टेलीफोन आ जाए।
पता है तुम्हारे साथ तकलीफ क्या है? क्या तुम फिर किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते? लेता हूँ दिलचस्पी। किस में? किसी एक का नाम बताओ। काफी चीजों में। मुझे देखो मैं क्या करता हूँ। मुझे क्या मालूम तुम क्या करते हो। मेरा लकड़ी का अपना कारोबार है, किश्तियों के मॉडल है, मैं कभी खाली नहीं बैठता। बस जरा सा खाली वक्त मिला और उसका फायदा उठाया, फिर जब वो बुलाता है तो मैं हाजिर होता हूँ। क्या तुम तंग नहीं आ जाते? तंग किस बात से? तुम्हारे पास सिगरेट होगी? मेरी तो खलास हो गई। चल गया। अब की बार उसने पिच पहलिया बढ़िया दी है, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन इस जगह में यही अच्छा है, नहीं तो पहली वाली से भी गई गुजरी है। अरे इससे पहली वाली जगह याद है तुम्हें कहाँ थी वो? वहां कम से कम एक रेडियो तो था। सच लगता है अब उसे हमारे आराम की परवाह नहीं है। ये चबड़ जबड़ बंद भी करेगा कि नहीं? अरे ऐसी जगह में ज्यादा देर रहो तो जोड़ों का दर्द भी हो जाए। अरे ज्यादा देर नहीं रहना है, चाय का क्या हुआ, अब किसी भी मिनट काम शुरू करना होगा। अरे हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा। अब साली बात क्या है? आज सुबह तुमने सड़क के बीचों बीच कार क्यों रोकी थी? मुझे लगा तुम सो रहे थे। नहीं मैं सो रहा था, लेकिन जब तुमने कार रोकी तो मैं जाग गया। तुमने रोकी थी ना सड़क के बीचों बीच, क्या तुम्हें याद नहीं? अभी अंधेरा ही था, मैंने बाहर झांक कर देखा, कोहरा ही कोहरा था। मैंने समझा शायद तुम नींद लेना चाहते हो, लेकिन तुम तो एकदम चौकन्ने होकर बैठे थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। मैं किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं शायद फिर सो गया। वो सब क्या था फिर, तुमने कार क्यों रोकी थी? मैं हम जरा जल्दी आ गए थे। क्या मतलब? हमें ऑर्डर तो मिल गया था ना कि हमें फौरन चल देना चाहिए, और फिर जल्दी कैसे आ गया? टेलीफोन किसने सुना, मैंने कि तुमने? तुमने। हाँ तो फिर हम जरा जल्दी आ गए थे। नहीं, किसके लिए जल्दी यार? ओ, तुम्हारा मतलब है हमारे यहाँ घुसने से पहले किसी को यहाँ से निकलना था। मुझे पहले लगा था कि ये चादरें साफ बदबू सी आ रही थी। आज सुबह बिस्तर में घुसते वक्त इतना थका हुआ था कि ध्यान ही नहीं दिया। अरे मैं अपनी चादरें दूसरों के साथ क्यों बांटूं? स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मेरा मतलब है आज तक तो हमें हमेशा साफ चादरें मिलती थी, मैंने हमेशा देखा है। तुम्हें कैसे मालूम कि चादरें साफ नहीं थी? क्या मतलब? नहीं तुम्हें कैसे मालूम कि चादरें साफ नहीं थी? तुम दिन भर उस पर लेटे हो कि नहीं? क्या तुम्हारा मतलब है ये मेरी पाद हो सकती है? हाँ हो सकता है मेरी पाद हो, बताना मुश्किल है। मुसीबत तो ये है कि मैं नहीं जानता मैं कैसी पाद मारता हूं। ए बहन हम कौन से शहर में हैं? बता तो चुका हूं कुल्लू में। ओ हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। आज जुम्मा है तो कल शनिचर होगा। तो हम आईपीएल का मैच देखने चले? वो कहीं और खेल रहे हैं। नहीं सच, वैसे भी टाइम नहीं है, काम खत्म करके हमें जल्दी निकलना। अरे इससे पहले भी हम मैच देख चुके कि नहीं? अरे जरा सुस्ताने के लिए खेल देख चुके कि नहीं? अब वो ढीला मामला नहीं है बेटे, सब चुस्त हो गया है। मैंने एक दफा मुंबई को हारती हुई देखा, दूसरी साइड कौन सी टीम थी वो लाल शर्ट में? मैच आखिरी बॉल तक पहुंच गया था, मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी साइड वाले एक रन से जीत गए, मगर अंपायर ने आखिरी बॉल को नो बॉल करार दिया। खूब तमाशा हुआ, नो बॉल पर खूब झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो एक रन से हार गए उसी के मारे। तुम भी तो वहां थे। मैं वहां नहीं था। बिल्कुल तुम वहां थे, क्या तुम्हें वो नो बॉल वाला झगड़ा याद नहीं? नहीं तो अरे जिसमें भज्जी और शीर्षक का झगड़ा हुआ था, जिसने भज्जी ने शीर्षक पे रैप्टा मारा था। एक रैप्टा मारा था? अब है क्यों बकवास कर रहा है, जमीन सुंगा दी थी उसने। मुंबई वालों ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं खेलते। अबे रहने दे। ए पता है दूसरी साइड कौन सी टीम थी वो? किंग्स इलेवन पंजाब। पंजाब? नहीं पंजाब में तो हमने कभी धंधा नहीं किया। तुम्हें कैसे मालूम? पंजाब मुझे याद रहता। अबे क्यों मजाक कर रहा है? ए बहन क्या हम कल किंग्स इलेवन पंजाब का मैच देखने चले? वो कहीं और खेल रहे। फिर तो हो सकता है वो यहीं खेल रहे हो धर्मशाला में। ए किंग्स इलेवन वाले कहीं और खेल रहे हैं।
ये बहन कहीं और, सब साले कहीं और खेल रहे। ये बहन इधर देखो क्या है। अरे देखो तो, दरवाजे के नीचे से। अरे है क्या वो? अरे पता नहीं, उठाओ उसे। क्या मतलब? उठाओ उसे। है क्या वो? लिफाफा। लिफाफा? कुछ लिखा उस पर? कुछ नहीं, बंद है। हाँ खोलो उसे। क्या? खोलो उसे। क्या है अंदर? लिफाफा। कुछ नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं। अजीब बात है ना, ये दरवाजे के नीचे से आया। वहीं से आया वो? तो जाओ। कहाँ जाओ? दरवाजा खोल के देखो बाहर कोई है कि नहीं। तो कौन? मैं? जाओ। कोई नहीं है। कुछ दिखाई दिया? कुछ नहीं। बड़ी तेजी से काम कर गए। चलो काम आएंगे। हाँ? आएंगे ना। तुम्हारे पास तो कभी टिकती ही नहीं। कभी नहीं, लेकिन मैं इनसे काम चला लूंगा। और इनसे भी चला लोगे ना? हाँ, वैसे भी हमारे पास और नहीं है। अब तो है कि नहीं? अब मैं केतली जला सकता हूँ। तुम हमेशा तीलियां मारते रहते हो, कितनी है तुम्हारे पास? यही कोई एक दर्जन। तो उन्हें खोना मत, और वो लाल वाली भी, डिबिया की भी जरूरत नहीं। जाया मत करो, और वो जलाओ जाकर। हा? वो जलाओ जाकर। क्या जलाओ? केतली। तुम्हारा मतलब है गैस? इसका? तुम्हारा? मेरा मतलब है का? क्या मतलब? नहीं, तुम्हारा यही मतलब है ना कि जाकर गैस जलाओ। अगर मैं कहता हूँ कि जाकर केतली जलाओ, तो उसका मतलब है जाकर केतली जलाओ। तो केतली को कैसे जला सकते हैं? कहने का ढंग है, केतली जलाओ कहने का ढंग है। मैंने तो कभी नहीं सुना। केतली जलाओ आमतौर पर इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से तुम गलती पर हो। क्या मतलब? केतली चढ़ाओ कहा जाता है। कौन कहता है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को कहते नहीं सुना कि जाकर केतली चढ़ाओ। शर्त लगा लो, मेरी माँ कहती थी। तेरी माँ? कितने दिन हुए उसका चेहरा देखे हुए? बोल। पता नहीं, यही कोई। हाँ तो फिर अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रहा है? देखो गश, मैं बेजा बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें समझाना चाहता था बस। ठीक है, लेकिन यहाँ सीनियर पार्टनर कौन है? मैं कि तुम? तुम? देखो गश, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं चुना कि गैस जलाओ कौन कहता है। गैस से क्या जलता है? गैस से क्या? अबे गधे, केतली केतली जलती है गैस से। अब यहाँ खड़े क्यों हो? देखना चाहता हूँ जलती है कि नहीं। क्या? तीलियां। ये रही। अब साले उस केतली को चढ़ा भी दो। जल गया क्या? सोचता हूं आज रात को किसकी बारी है। ए बहन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। मेरे बिस्तर पर बैठने की क्या जरूरत है? तुम्हें तकलीफ क्या है? जब देखो मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें तकलीफ क्या है? कुछ नहीं। पहले तो कमबख्त इतना सवाल नहीं पूछते थे, तुम्हें हुआ क्या? नहीं, मैं ऐसे सोच रहा था। अरे सोचना बंद करो, तुम्हें काम दिया गया है, मुंह बंद करके उसे करते क्यों नहीं? अरे उसी के बारे में सोच रहा था। किसके? काम के। कौन सा काम? मुझे लगा शायद तुम्हें मालूम हो। मुझे लगा मेरा मतलब, अरे क्या तुम्हें मालूम है आज रात को किसकी बारी है? किसकी? कैसी बारी? किसकी बारी है?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल। चाय बनाओ जाकर। गैस बंद हो गई तो मीटर में पैसे डालने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। तो तुम्हें ठहरना पड़ेगा। किसके लिए? विल्सन के लिए। हो सकता है वो नहीं आए। किसी के हाथ कहरा भेज दे, वो हमेशा तो नहीं आता। तो तुम्हें बगैर चाय के गुजारा करना होगा और क्या? हद तेरे की। अरे उसके बाद पी लेना। तुम्हें हुआ क्या? तो मुझे उससे पहले भी नहीं है। जो भी हो अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। हाँ? ये तो आधी होगी। खैर अगर वो आ ही रहा तो कुछ रुपए भी लेता है, उसे लाने भी चाहिए। ये जगह आखिर उसी की है, उसे देख तो लेना चाहिए था कि एक प्याला चाय के लिए गैस है कि नहीं। क्या मतलब ये जगह उसी की है? तो क्या नहीं है? किराए की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसी की हो। मुझे मालूम है ये उसी की जगह है। शर्त लगा लो ये पूरा घर उसका है। अब वो हमारे लिए गैस भी नहीं रखता। ये जगह है तो उसी की। और सारी जगहों को ले लो। फला पते पे चले जाओ, वहां चाबी होगी, चादानी होगी। दूर दूर तक ना आदम ना आदम जात, किसी को खटका भी नहीं होता। कभी किसी ने शिकायत की है कि शोर मचता है या कुछ ऐसा वैसा है? कोई यहां नहीं फटकता। बस एक शख्स आता है जिसका हमें इंतजार है। हमारा काम तो बस इंतजार करना है। ज्यादातर तो विल्सन अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। क्यों दिखाए? उसे और भी बहुत सारे काम है। मैं कभी उससे खुलकर बात नहीं कर सकता विल्सन से। क्या तुम ये जानते हो बैठ? अब बंद भी करेगा कि नहीं? बहुत सी बातें हैं जो मैं उससे पूछना चाहता, लेकिन जब उससे मिलता हूं तो पूछ नहीं पाता। मैंने इससे पहले वाली के बारे में बहुत सोचा है। इससे पहले वाली कौन? वो लड़की। तुम ये अखबार कितनी बार पढ़ चुके हो भाई जी? मैं कहना क्या चाहते हो? नहीं मैं ऐसी सोच रहा, मेरी नुक्ताचीनी करना चाहते हो? नहीं मैं ऐसी सोच। ज्यादा चबड़ चबड़ की तो दांत तोड़ दूंगा। सुनो बहन, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कितनी बार, हिम्मत तो देखो इसकी। अरे मेरा ये अपना मतलब काम करो बच्चू, अपना काम समझे। मैं बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था। देखने में तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी एकदम कचूमर सा निकल गया था। उसके जैसा कचूमर पहले कभी नहीं था। ये जो औरतें ना, ये मर्दों की तरह गठी हुई नहीं होती, कुछ ढीली ढीली सी होती है। क्या कचूमर निकला था। नहीं हमारे पीछे सफाई कौन करता हुआ है? मैंने कई बार सोचा है हमारे पीछे सफाई कौन करता होगा। शायद वो सफाई करते ही, शायद उसे वैसे ही पड़ा रहने देते हो। नहीं बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है हमने अब तक कितने धंधे निपटाए हुए? तेरे की गिनना भी मुश्किल है। क्या हो सोचो अगर वो हमारे पीछे सफाई ही ना करे। अबे गधे, तू क्या समझता है कि उसकी गैंग में हम सिर्फ दो ही हैं? उसके पास हर काम का महकमा है। यानी सफाई करने वाले भी? उल्लू कहीं का। खैर उस लड़की की सोचते ये ख्याल आया कि मैं उसके क्या है वो? आकर देखो।
पढ़ो इसे। दो स्टेक और चिप्स, दो सैंगो पुडिंग, दो चाय बगैर चीनी। दिखाओ तो सही। दो चाय बगैर चीनी, क्या है ये? ये अरे सांस तो लेने दे दो, लगता है बड़ी जल्दी में है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? नहीं, इसमें अजीब क्या है? इस जगह पहले होटल हुआ करता था और क्या, ऊपर ऐसी जगहों के बड़े जल्दी मालिक बदलते हैं। होटल? हाँ। यानी ये नीचे के हिस्सा किचन था? ऐसी जगहों के बड़े जल्दी मालिक बदलते, दिवाला पिट जाता। मालिक को जब धंधे से नफा नहीं होता तो वो ऐसी जगह छोड़ के चले जाते। यानी कि जो मालिक था उसे धंधे से नफा नहीं हुआ और वो जगह बेच कर चला गया। और नहीं तो क्या? तो अब यहाँ कौन है? क्या मतलब अब यहाँ कौन है? अगर वो चले गए तो आया कौन? ये तो बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। आज का सूप कलेजी और प्याज, सैन हॉट। हमें ऊपर कुछ भेज देना चाहिए। हाँ? हमें ऊपर कुछ भेज देना चाहिए। वो हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। क्या क्या है उस बैग में? ज्यादा नहीं है। एक मिनट है ना। मत करो ऐसा। क्यों है? जाओ। बिस्कुट, चॉकलेट और दूध। दूध बस यही है। एक पैकेट चाय। ठीक। ये चाय हम ऊपर नहीं भेज सकते, हमारे पास यही तो एक चाय है। गैस भी तो नहीं है, इसका क्या करोगे? शायद वो कुछ रुपए नीचे भेज दे। और कुछ है? एक केक। एक केक? हाँ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास एक केक है। क्या नहीं बताया? एक ही क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? मैंने समझा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। खैर, एक केक तो भेज नहीं सकते। क्यों नहीं? एक प्लेट लाना। अच्छा, यानी कि वो केक मैं वापस ले लूं? वापस ले लूं? अरे उन्हें क्या मालूम हमारे पास है कि नहीं। वो बात नहीं है। तो क्या मैं वापस नहीं ले सकता? नहीं, नहीं ले सकते। प्लेट लाओ। ओके ओके ओके। ये तुम्हारे पास कहां से आया? क्या? ये चिप्स का पैकेट तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हें कहां से मिला? बड़ी टेढ़ी चाल चल रहे हो बच्चू। मैंने बियर के साथ खाता हूँ। अच्छा, और ये बियर तुम्हें कहां से मिलने वाली? उसके मिलने तक इन्हें संभाल के रख रहा था। ये बात मैं भूलूंगा नहीं। सब कुछ प्लेट में डालो। एक मिनट। अरे वो तो ऊपर चला गया। सब तुम्हारी गलती है। अब क्या करें? हमें ठहरना पड़ेगा जब तक ये नीचे नहीं आ जाता। ये बहन, क्या है ये चक्कर? क्या है? क्या मतलब? ये होटल कैसे हो सकता है? अरे होटल हुआ करता था। तुमने इसका गैस स्टोव देखा? क्यों? उसमें सिर्फ तीन चूल्हे हैं। तो तीन चूल्हों पर कितना खाना बन सकता है, खासकर एक होटल के लिए? इसीलिए तो सर्विस ढीली है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ नहीं होते तब क्या होता है? तब वो लोग क्या करते हैं? खाने की फरमाइश नीचे आती होगी और ऊपर कुछ नहीं जाता होगा। हो सकता सालों से ऐसे ही हो रहा। नहीं, हमारे जाने के बाद क्या होता होगा? कारोबार तो चलता ही नहीं होगा ना। मैक्रोनो मैथियो और मीठा पेट्रो स्वादा।
ग्रीक डिश है? नहीं, बिल्कुल बड़ी हाई क्लास होगी। अरे जल्दी करो नहीं तो फिर से ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, दो पैकेट बिस्कुट, एक चिप्स का पैकेट, एक केक, एक चाय, एक फ्रूट एंड नट, डेरी मिल्क, आधा लीटर दूध, अमूल अमूल अमूल। टाइम पर हो गया। तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं? अच्छा नहीं लगता। चलो कम से कम फिलहाल ठीक ठाक से हो गया ना। सचमुच? अपना कोट पहन लो, अब किसी मिनट काम शुरू करना होगा। ये जगह भी खूब है ना, चाय ना बिस्कुट। खा खा कर सुस्त पड़ना चाहते हो क्या? तुम सुस्त पड़ गए तो जानते हो क्या होगा? काम में ढीले पड़ना चाहते हो क्या? कौन मैं? ढीला? ढीले बस यू ढीले। कौन मैं? ढीला? अपनी रिवॉल्वर चेक की? अपनी रिवॉल्वर तक तो चेक नहीं की, कितनी घिसी पिटी सी है। तुम उसे कभी पॉलिश क्यों नहीं करते? ये बावर्ची कहाँ गया? इससे निपटने के लिए उन्हें बावर्ची तो रखे होंगे, और गैस स्टोव भी रहे होंगे उनके पास। शायद पैसे तो उस तरफ एक और की चले। और नहीं तो क्या? तुम्हें पता है ये और मीठा कैकरनोंदा बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ना, किसकी? और मीठा। आपे भेजे से काम कुछ बावर्चियों की ठीक। अरे यहां से जितना जल्दी फूटे उतना अच्छा हो, वहां में आकर बताता क्यों नहीं? लगता है सालों से यहां मर रहा हूं। वैसे हमने हमेशा अपना काम करके दिया है, ये मैं कुछ दिन पहले ही सोच रहा था। मैं हम लोग भरोसे के काबिल हैं, है ना? फिर भी आज रात वाला काम निपट जाए तो मुझे ज्यादा खुशी हो। कहीं अपना आसामी ज्यादा हाथापाई वगैरह ना करे। तबीयत ठीक नहीं है, सर में बला का दर्द है। बैम्बू सूट, वाटर चेस्टनट, चिकन और बीन स्प्राउट। बीन स्प्राउट? धक तेरे की। मैं समझ नहीं पाऊंगा कि ये बीन स्प्राउट बनाना कैसे, कहां से शुरू करूं। उन्होंने चाय का पैकेट वापस भेज दिया। ऐसा क्यों किया होगा? शायद अभी चाय का वक्त नहीं हुआ होगा। क्या यही कि हमसे नहीं होगा? हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। पहन लेना, एक पर्ची लिखता हूं। ए बहन, क्या है ये? क्या है? अरे पर्ची है। अरे ये इधर देखो। ये स्पीकिंग ट्यूब है। कितनी देर से यहां था? ठीक इसी की जरूरत थी। हमें ऊपर चिल्लाने के बजाय इसी का इस्तेमाल करना चाहिए था। अजीब बात है, इससे पहले मैंने इसे देखा ही। इसे देखते हो क्या? ये हाँ, ये सीटी है। सीटी? हाँ निकालो इसे, खींच के निकालो। ये बात। अब क्या करें? इसमें फूंक मार। हाँ, इसे फूंकने पर ऊपर सीटी बजती है, इससे वो समझ जाते हैं कि हमें उनसे कुछ कहना है। फूंको। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे इधर लाओ। बात करो इसने। खाने को कुछ नहीं है। इधर आ, खाने को कुछ नहीं है। गुड इवनिंग।
बूढ़े 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 माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन हमने सोचा कि हमें आपको बता देना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास था हम ऊपर भेज चुके, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं जी। जी 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 केक बासी था, चॉकलेट पिघल गई थी, दूध फट गया था और चिप्स बिस्कुट सील गए थे जी। ओ, इस बात का हमें बेहद अफसोस है जी जी। सुना तुमने? क्या बताओ, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? गैस जलाओ नहीं केतली जलाओ, केतली जलाओ नहीं केतली जलाओ। केतली को कैसे जला सकते हैं? क्या मतलब? अरे गैस ही नहीं है। अब क्या करें? उसने हमसे केतली जलाने को क्यों कहा? चाय के लिए उसे एक प्याला चाय चाहिए। क्या उसे एक प्याला चाय चाहिए और मैं जो सारी रात चाय के लिए रो रहा हूं? अब क्या करें? हमारे पीने के लिए क्या, हम भी तो है। मुझे भी प्यास लगी है, मैं भूख से मर रहा हूं, उसे एक प्याला चाय चाहिए। अरे मुझे तो खुराक की भी जरूरत है और तुम्हें भी, तो तुम्हें देखने से लगता है तुम्हें भी चाहिए। कितना कुछ हमारे पास था हमने ऊपर उनके पास भेज दिया मगर उनका दिल ही नहीं भरता। अरे इससे ज्यादा हंसाने वाली बात और क्या होगी? तुमने वो सब ऊपर उनके पास क्यों भेजा? मैंने क्यों भेजा? क्या पता वहां ऊपर उनके पास क्या क्या है, शायद उनके पास सलाद की प्लेट है, कुछ तो जरूर होगा वहां उनके पास, या नीचे से तो ज्यादा मिलने का नहीं। उन्होंने हमसे सलाद की फरमाइश नहीं की, गौर किया तुमने? जरूर सलाद की प्लेट होगी उनके पास, खीरा मूली ककड़ी गाजर उबले अंडे, अरे बियर की क्रेट भी होगी उनके पास, खा रहे होंगे मेरी चिप्स अपनी बियर के साथ। उनकी फिक्र मत करना, मजे में वो और उसे एक प्याला चाय चाहिए। मैं तो कहता हूं बहन ये बात मजाक से आगे निकल गई है। ये तुम्हें क्या हुआ? हमारी तबीयत ठीक नहीं लगती। वैसे एस्प्रो की तो मुझे भी जरूरत है। टाइम निकला जा रहा है। पता है मुझे खाली पेट धंधा करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट के लिए चुप भी करेगा, मुझे बताने दो तुम्हें क्या करना होगा। क्यों, हम हमेशा से एक ही तरह से तो काम करते हैं। मुझे बताने दो तुम्हें क्या करना होगा। जब वो हमें बताएगा तो तुम दरवाजे के पीछे खड़े हो जाना। मैं जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ। अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो उसका जवाब मत देना। अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो उसका जवाब ना दूं। लेकिन दरवाजे पर दस्तक नहीं होगी तो जवाब नहीं दूंगा। जब अपना आसामी अंदर आए तुम उसके पीछे जाकर दरवाजा बंद कर दे। मैं उसके पीछे जाकर दरवाजा बंद कर दूं। अपने आप को दिखाए बगैर वो मुझे देखेगा और मेरी तरफ आएगा। वो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी तरफ आएगा। वो तुम्हें नहीं देखेगा। वो तुम्हें नहीं देखेगा। वो मुझे नहीं देखेगा। लेकिन वो मुझे, लेकिन वो तुम्हें देखेगा। उसे मालूम नहीं होगा कि तुम वहां हो। उसे मालूम नहीं होगा कि तुम वहां हो। उसे मालूम नहीं होगा कि तुम वहां। उसे मालूम नहीं होगा कि मैं वहां हूं। मैं अपनी रिवॉल्वर निकालता हूं। तुम अपनी रिवॉल्वर निकाल दो। वो चीटा का रुक जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है, जब वो पीछे मुड़ता है तो तुम वहां हो। मैं वहां हूं। एक मिनट रुकना, तुम कुछ कहना भूल गए। हाँ, क्या? मैंने अब तक अपना रिवॉल्वर नहीं निकाला। तुम अपनी रिवॉल्वर निकालते हो दरवाजा बंद करने के बाद। दरवाजा बंद करने के बाद इससे पहले तुम ये कहना कभी नहीं भूले, पता है? जब वो तुम्हें अपने पीछे देखता है, मुझे अपने पीछे और मुझे अपने सामने, और तुम्हें अपने सामने, तो वो हिचकिचाएगा, घबरा जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि क्या करे। तब वो क्या करेगा? वो मेरी तरफ देखेगा और तुम्हारी तरफ देखेगा। हम एक लफ्ज नहीं कहेंगे। हम उसकी तरफ देखेंगे। वो एक लफ्ज नहीं कहेगा। वो हमारी तरफ देखेगा और हम उसकी तरफ देखेंगे। कोई एक लफ्ज नहीं कहेगा। एक मिनट रुकना, अगर लड़की हुई तब हम क्या करेंगे? यही करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे। बिल्कुल यही।
कुछ भी अलग तरह से नहीं करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे। ओके 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 ओके, मैं भी आया। उसने तेलिया क्यों भेजी मैं, जबकि उसे मालूम था कि गैस नहीं है? उसने तेलिया क्यों भेजी मैं, जबकि उसे पता था कि गैस नहीं है? उसने ऐसा क्यों किया? किसने? वो तेलिया किसने भेजी? तुम कहना क्या चाहते हो? ऊपर कौन है? उसका इस बात से क्या मतलब? कौन है लेकिन? उसका इस बात से क्या मतलब? तुमसे एक सवाल पूछा। बहुत हो गया। पहले भी पूछा था कि यहाँ कौन आया। तुमने कहा कि पहले वाले मालिक चले गए, तो उनकी जगह कौन आया? चुप रहो। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, पहले भी बताया था ना मैंने तुम्हें? चुप रहो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ का मालिक कौन है? बताया था ना? आखिर वो ये चक्रबाजी क्यों कर रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ वो ये सब क्या कर रहा है। अरे कैसी चक्रबाजी? आखिर वो ये क्या कर रहा है? हम अपना सबूत दे चुके कि नहीं? सालों पहले अपना इम्तिहान पास कर चुके कि नहीं? हम दोनों ने एक साथ ही दिए थे, याद है ना? इससे पहले भी हम अपना सबूत दे चुके कि नहीं? हमने हमेशा अपना काम करके दिया है। वो ये क्यों कर रहा है? वो चाहता क्या है बहन? वो ये चक्करबाजी क्यों कर रहा है? हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, समझे? बंद करो, बहुत हो गया, बताई दे रहा हूं। लेकिन सुना नहीं तुमने मैंने क्या पूछा? बहुत हो गया, बताई दे रहा हूं। जरा ये सुनो, क्या ख्याल है? कभी ऐसे होते सुना है? अबे जा, सच है। अबे चल ना, यहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता ना? यकीन नहीं होता, पढ़कर मितली नहीं आती? यकीन नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूं। अभी लो। ठीक,
बिल्कुल तैयार है। समझ गया। वो आ गया और सीधा